वातावरण देखा, कन्हैया के चरणों में पैजनिया। रात्रि के शांत वातावरण में कोई जा रहा है वृंदावन की ओर। भगवान ने वंशी को अधरार्पित किया और वंशी में प्राण फूके। वंशी गदगद हो गई, अब मुझे अधर सुधा का पान मिलेगा। जैसे ही प्रभु ने अधर सुधा का पान कराया, बांस की वह निर्जीव पोंगरी सजीव हो उठी, ऐसी बजी। कहते हैं श्री कृष्ण ने उसमें क्लीम काम बीज को प्रकट किया। उस वंशी में एक पुकार थी, एक निमंत्रण था, एक न्योता था, पुकार थी उन प्रेमिकाओं को, गोपियों को आने के लिए। जड़ चेतन हो गए, जो जड़ थे उनमें चेतन जैसा व्यवहार दिखाई पड़ा और जो चेतन थे वो जड़वत हो गए। यमुना के बहते हुए, यमुना का बहता हुआ पानी प्रवाह मानो स्थिर हो गया, चल रही हवा मानो स्थिर हो गई और गोपियों के कान में जैसे ही अवंशित ध्वनि पड़ी, जैसे कोई खींच रहा है उसको, बुला रहा है, आकृष्ट कर रहा है अपनी ओर, रोक न पाई अपने आप को, दौड़ पड़ी वृंदावन की ओर। कोई लीप रही थी आंगन को छोड़ के दौड़ पड़ी, कोई बुहार रही थी आंगन को छोड़ के दौड़ी, कोई बच्चे को दूध पिला रही थी, पाययन्त्य शिशुन पयः, बच्चों को छोड़ के दौड़ी। कोई पति को भोजन करा रही थी उसको छोड़ के दौड़ी। कोई स्वयं भोजन कर रही थी तो हाथ से कवल गिर गया और ये भागी। अंजन्त्य काश्चलोचने, कोई आंख में काजल लगा रही थी और श्री कृष्ण की वेणु सुनाई पड़ी, एक अदम्य आकर्षण हुआ और भागी वृंदावन की ओर। कोई श्रृंगार कर रही थी, श्री कृष्ण की वेणु सुनाई पड़ी, उसी वक्त उल्टे सुलटे वस्त्र और आभूषण धारण कर लिए, पांव का नूपुर गले में और गले का गहना पांव में बांधा, उल्टे सुलटे वस्त्र आभूषण धारण करके चल पड़ी। क्या किसी ने रोका नहीं उन्हें? बोले रोका। तावार्यमाणा पतिभिः पितृभिः भ्रातृबन्धुभिः गोविंदा बहुतात्मानो नान्यवरतंत मोहिता।
देना चाहा पत्नियों को, भाइयों ने बहनों को, पिताओं ने अपनी पुत्रियों को, सगे संबंधियों ने अपनी कुलवधुओं को, लेकिन जिसका मन श्री कृष्ण में लग गया है उन गोपियों को कोई रोक नहीं पाया। वे सब की सब भागी, हजारों गोपियां मानो बहती हुई नदियां कृष्ण रूपी समुद्र से मिलने जा रही है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, ध्यान से सुनो, जहुर गुणमयम देहम सद्य प्रक्षीण बंधना, शरीर है उन्हें छोड़ के गई, प्राकृत शरीर से मिलन नहीं है, ये भावात्मक दिव्य शरीर धारण करके गई। मतलब है शरीर से तो हर पत्नी पति के पास थी, हर पुत्री पिता के पास थी। जहुर गुणमयम देहम, अपने प्राकृत शरीर को छोड़कर दिव्य भावात्मक शरीर धारण करके गई। 10 साल की बालिका से लेकर 90 साल की बुढ़िया तक है, लेकिन जब भावात्मक शरीर धारण किया तो सब 16-17 वर्ष की सुंदरी बन करके गई। जो गरीबन थी, जिसके फटे हुए वस्त्र थे, लेकिन भावात्मक शरीर धारण किया और भावात्मक श्रृंगार किया तो दिव्य श्रृंगार करके सबकी सब गई। भाव की सृष्टि ही अलग है, बड़ी समृद्ध है वो। योग की दृष्टि से इसका अर्थ थोड़ा समझ लो, हृदय ही वृंदावन है, आत्मा ही श्री कृष्ण है, भीतर से उठने वाला अनाहत नाद कृष्ण की वेणु है, अंतकरण की वृत्तियां ही गोपियां हैं, प्रसन्न आनंद से भरा हुआ जो मन है वही चंद्रमा है पूर्णिमा का, भीतर बहती हुई भक्ति की धारा ही यमुना। और उस अनाहत नाद को सुनकर अंतकरण की वृत्ति रूपी गोपियां अंतर्मुख होकर के आत्मा रूपी श्री कृष्ण के साथ रमण करती हैं और लीन हो जाती है कृष्ण में, कृष्ण रूप हो जाती है। इसी को योगी समाधि कहते हैं, जिसको भागवत में रास लीला बोलते हैं, यही योगियों की समाधि, ज्ञानियों की तुरियावस्था यही है। रास ही पुष्टिमोक्ष है,
ज्ञानियों के लिए मोक्ष, योगियों के लिए समाधि और भक्तों के लिए रास, एक ही है। आई हुई सभी गोपियों का भगवान ने स्वागत किया। स्वागतं वो महाभागा प्रियं किं करवाणि वः व्रजस्यानामयं कच्चित् ब्रूतागमन कारणम्। रजन्येषा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता प्रतियात व्रजं नैह स्थेयं स्त्रीभिः सुमध्यमा। भाग्यशालियों, स्वागत तुम्हारा। कहो कैसे आना हुआ यहां? ये वृंदावन है और रात का समय है। रात्रि में वन में वामा शोभा नहीं देती, क्यों आई हो यहां? तुम घर छोड़कर के अपने पतियों को, सगे संबंधियों को छोड़कर आई हो यहां इस वक्त? उचित नहीं किया तुमने। पति की सेवा और परिवार के सब सदस्यों की सेवा, यही स्त्री का परम धर्म है। पति दुशील हो, दुर्भागी हो, वृद्ध हो, जड़ हो, रोगी हो कि निर्धन हो, पत्नी को चाहिए कि पति का त्याग न करे। क्यों आई हो? प्रतियात व्रजम, लौट जाओ वापस। नैह स्थेयं स्त्री भी, इस वक्त तुम्हें यहां नहीं रहना चाहिए। पुरुष दिन में घर में अच्छा नहीं लगता और स्त्री रात्रि में घर से बाहर अच्छी नहीं लगती। इसलिए पुरुष दिन में घर में न रहे, स्त्री रात में घर से बाहर न रहे। रजन्येषा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता, रात्रि का समय है और ये वृंदावन है, ये कोई नागरी बगीचा तो नहीं है। अरे नगर के बगीचे में भी रात में स्त्री नहीं जाती, तो ये तो जंगल है, वन है, समय रात्रि का है। इस वक्त यहाँ या तो आसुरी वृत्ति के लोग या हिंसक पशु घूमते हैं। तुम्हारा इस वक्त यहाँ पर आना रहना ठीक नहीं है, इसलिए प्रतियात व्रजम नहीं हस्ते यम, लौट जाओ वापस, तुम्हें यहां नहीं रहना चाहिए। कहते हैं कि प्रेम में हृदय की और होठों की भाषा अलग अलग होती है। हृदय की ना होती है तब होंठ की हा होती है, हृदय की हा तब होंठ की ना। इसलिए प्रेम में ना का मतलब होता है हां और हां का मतलब होता है ना। बोले श्री कृष्ण के होंठ तो कह रहे हैं प्रतियात व्रजम न इहस्थेयम, लेकिन हृदय क्या कह रहा है? बोले प्रतियात व्रजम न इहस्थेयम। देखो वही का वही श्लोक है लेकिन अर्थ बदल जाता है। होंठ क्या कह रहे हैं? प्रतियात व्रजम
नहि हस्थेयम्। और दिल क्या कह रहा है, प्रतियात व्रजम न इहस्थेयम्, कि जब आ ही गई हो तो वापस मत जाना, यही रह जा। गोपियों ने जब ये सुना दुखी हुई, तुमने पुकारा हम दौड़ी चली आई, सब कुछ छोड़कर और साहस का परिचय देते हुए रात्रि के समय में हम इस वृंदावन में तुम्हारे पास आई। तो तुम पूछ रहे हो क्यों आई, तुमने बुलाया हम आए, अब पूछ रहे हो क्यों आए। ये तो ऐसा ही हुआ कोई हमसे कहे कि रविवार के दिन दोपहर में खाना हमारे यहाँ लेना, जरूर आना, और हम रविवार के दिन 11:30 बजे समय से पहुँच जाए और वो हमारा स्वागत करे कि आओ आओ आओ, कहो कैसे आना हुआ। अरे भैया न्योता देकर तू भूल गया क्या, हमने अपने घर में नहीं पकाया। कृष्ण धर्म क्या है गोपियों का ये समझाने लगे। गोपियों ने पूछा पति की सेवा, पति के सगे संबंधियों की सेवा ये हमारा धर्म है। अच्छा तुम कहते हो इस धर्म का हमें पालन करना चाहिए, ये बताओ इसके पालन से क्या होगा। बोले धर्म पालन से चित्त शुद्ध हो जाता है। अच्छा चित्त शुद्ध हो जाता है तब क्या होता है। बोले शुद्ध चित्त में मेरे प्रेम का उदय होता है। अच्छा जब तुम्हारे प्रेम का उदय होता है तब क्या होता है। बोले तब मेरी प्राप्ति हो जाती है। गोपियां बोली वो तो हो गई, अब वापस क्यों निकालते हो, ग्रेजुएशन कर लिया, आप कहते हो केजी में दाखिला ले लो। और पति की सेवा यही हमारा धर्म है तुम बता रहे हो, तो कौन सा पति, देह का पति कि आत्मा का पति। जीव मात्र के सच्चे पति तो श्री कृष्ण तुम ही हो, हमारे पतियों के भी पति तुम हो। इसलिए प्रभु की सेवा, श्री कृष्ण सेवा, यही जीव मात्र का वास्तविक धर्म है। सुंदर शास्त्रार्थ हुआ, हमारे रास मंडली वाले तो बड़े सुंदर ढंग से इसको प्रस्तुत करते हैं। भगवान इस शास्त्रार्थ में हारे हैं और हारे हुए को जीतने वाला जो कहे वो करना पड़ता है, इसलिए अब गोपियों के अनुसार दिव्य रास शुरू हुआ। जितनी गोपियां हैं उतने ही कृष्ण हुए, सबको व्यक्तिगत रूप से अनुभव दे रहे हैं अपना। वह संगीत, वह सुर, वह लय, वह नृत्य क्या कहे। ऐसो रास रचो वृंदावन के वैरही पायल की जनकार, ऐसो रास रचो वृंदावन के वैरही पायल की जनकार, पायल की जनकार वह रही, पायल की जनकार हो, पायल की जनकार वह रही, पायल की जनकार। क्षमा क्षम बाजे बजने बिछुआ बहुते बाजे, बजने बिछुआ बहुते बाजे, रवा कौंदनी के हो बाजे, रवा
भांति भांति के बाजे, बाजे भांति भांति के बाजे, जांज पखावज दुंदु भी बाजे, जांज पखावज दुंदु भी बाजे, सारंगी औ महुवर बाजे, सारंगी औ महुवर बाजे, बंसी बाजे मधुर मधुर बाजे बिना के तार, ओ बंसी बाजे मधुर मधुर बाजे बिना के तार, है सो रात चौबंदा बनवे रही पायल की जनता, है सो रात चौबंदा बनवे रही पायल की जनता, प्यार चले शीतल सुख दैया, प्यार चले शीतल सुख दैया, जाम पटुका लहंगा भरिया करे सनन संकार, ओ जाम पटुका लहंगा भरिया करे सनन संकार, ¡Vaya!
बोल श्री रास बिहारी भगवान। पायल की जनकार वरहे पायल की जनकार हो, पायल की जनकार वरहे पायल की जनकार ऐसो रास रचो वृंदावन वरहे पायल की जनकार दिव्य रास रचाया प्रभु ने। जितनी गोपियां हैं उतने ही श्री कृष्ण सबके साथ कन्हैया नाच रहे हैं। एक यहाँ जो नृत्य का प्रकार है वो लास्य है, एक नृत्य करते हैं शंकर जी वो तांडव है, और यहाँ जो करते हैं नृत्य कृष्ण ये लास्य है। तो कहते हैं लास्य से ही रलयो हो अभेदत्वात् रास्य हुआ और रास्य से ही रास शब्द बना, ऐसा भी विद्वानों का अभिप्राय है। अच्छा, इसमें अनेक नायिकाएं होती है और नायक एक होता है, और वह एक नायक इतना द्रुत गति से सभी नायिकाओं के साथ नृत्य करता है कि एक नायिका के साथ नाचा, दूसरे के पास गया, तीसरी के पास गया, चौथी के पास गया, और सबके पास जाकर इतना शीघ्रता से प्रथम नायिका के पास वापस लौट आता है कि उस नायिका को पता ही नहीं चलता कि ये गया और आया, उसको लगता है ये यही है। अब इस प्रकार का नृत्य करना तो सबके बस की बात नहीं है, ये तो कृष्ण ही कर सकते हैं। तो सबको ये लग रहा है कि कृष्ण मेरे साथ ही नाच रहे, मैं अन्य से श्रेष्ठ हूं, इसलिए कृष्ण सबको छोड़कर मेरे साथ ही नाच रहे। आत्मानम मे निरे स्त्रीणाम मानिन्योभ्यधिकम भुवि, गोपियां अपने आप को अन्य से श्रेष्ठ समझने लगी, अभिमान आया, कृष्ण अंतर ध्यान हुए। तासाम तत्सौभगमदं विक्षमानं च केशव प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत। गौड़ीय संप्रदाय के संत ऐसा अर्थ लगाते हैं कि तासाम तत्सौभगमदं विक्षमानं च, दो बातें हैं मद और मान, गोपियों को मद हुआ, राधा जी को मान, रूढ़ गई, चली गई। ब्रज में हमारे मान सरोवर है, वहां गोपियों को मान हुआ, ठाकुर जी ने मनाया। ओ, कैलाश मान सरोवर वो अलग, वहां की भावना अलग है, ब्रजवाला जो मान सरोवर है वहां गोपांगनाओं को मान हुआ। इसलिए प्रशमाय, गोपियों को जो अहंकार हुआ उसको प्रशमाय शांत करने, उसका प्रशमन करने, उसको मिटाने, और राधा जी को मान हुआ इसलिए राधा जी को प्रसाद आय मनाने, प्रसन्न करने। तत्रैवान्तरधीयत, श्री कृष्ण रास मंडल से अंतर ध्यान। अब गोपियां श्री कृष्ण को ढूंढने चले। देखो सात्विकता का अभिमान, अच्छाई का अभिमान सबसे बड़ी बुराई है। सब लोग बिगड़े हुए हैं आजकल काल में, तो हम तो बड़े भक्त हैं, बड़े अच्छे हैं, यहां तक कि अपनी सरलता का अभिमान हो जाता है अपने को, हमारे जैसा सरल आदमी आपको मिलेगा नहीं, हमारे जैसा सीधा आदमी मिलेगा, अरे भैया वहीं तू टेढ़ा है, हमारे और भगवान के बीच में अन्य का विचार भी क्यों आना चाहिए। दुल्हा दुल्हन मिल गए, अब सुनी भाई बरात, उठकर महफिल से झटक कर पल्लो चले गए वो, उठकर महफिल से झटक कर पल्लो चले गए वो, कहते हुए कि तेरी महफिल में गैर हैं बैठे हुए। जिस महफिल में गैर बैठे हो, परमात्मा कहते फिर मेरा वहां क्या था, चले गए। और जब परमात्मा है तो गैरों का क्या काम, मैं अन्य से अधिक हूं, अन्य का विचार भी बाधक है जीव शिव की एकता में। हम और परमात्मा, अन्य का विचार ही संसार का विचार, संसार को बीच में क्यों लाए।
ढूंढने लगी। बिन गोपाल बैरन भई कुंजे, बिन गोपाल, सूरदास जी का पदम। बिन गोपाल बैरन भई कुंजे, बिन गोपाल, तब ये लता लगती अति शीतल, तब ये लता लगती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाला की पूंजे, बिन गोपाल बैरन भई कुंजे, बिन गोपाल। मृथा बहती ये यमुना ओ खग बोलत, मृथा बहती यमुना खग बोलत, मृथा कमल खिले अति खूजे, बिन गोपाल मृथा ही बह रही है श्री यमुना, वृथा कूज रही है कोकिला, पंछी वृथा ही बोल रहे हैं, वृथा ही कमल खिल रहे हैं, भवरे गूंज रहे हैं, सब व्यर्थ है, जब प्रियतम नहीं है तो सब व्यर्थ, बिना प्रियतम के कुछ अच्छा नहीं लगता। भगवान एक बार संयोग जन्य आनंद का अनुभव कराए और फिर वियोग जन्य आनंद की अनुभूति कराने के लिए श्री कृष्ण अंतर ध्यान। मधुरा भक्ति में भगवान संयोग जन्य आनंद और वियोग जन्य आनंद दोनों का अनुभव कराते हैं, तब ही मधुर भक्ति पूर्ण होती है। वियोग की व्यथा उसी को होती है जिसने एक बार मिलन के मजा का अनुभव किया। कर गहरीजे इतनी बिन तुई सुनवो हमारी बारक को पतिया लिख दीजे, तब ये लता लगती अति शीतल, तब ये लता लगती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाला की पूंजे, बिन गोपाल बैरन भई कुंजे।